लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। सदन में मौजूद हैं पीएम मोदी, विपक्षों को देंगे एक एक सवालों का जवाब। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गुटखा तंबाकू उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, एक साल और बढ़ाया। अधीर रंजन के बयान पर प्रहलाद जोशी का पलटवार, बोले कांग्रेसी नेताओं में मूर्खतापूर्ण बातें करने की होड़ मची। विपक्षी दल के पहले प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा प्रभावित नूह का किया दौरा। हरियाणा के नूह मामले में अब तक 153 केस दर्ज, 365 हुए गिरफ्तार, 111 लोग हिरासत में गए। महंगाई के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, केवल 70 रुपए किलो बिकेगा टमाटर, टमाटर से हटाया गया इम्पोर्ट टैक्स। मध्य प्रदेश के इंदौर में हेट स्पीच देने वाले मौलाना पर FIR दर्ज होते ही यू टर्न, वीडियो जारी कर माफी मांगी। JNU में 5 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, डीन की तरफ से मिला 48 घंटे का समय। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप, 2008 में चीन गए और कम्युनिस्ट पार्टी से मिले। एडिशनल CRR के RBI के फैसले से लुढ़के बैंकिंग स्टॉक, गिरकर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार।